ठीक है, देखो तो अब जैसे पॉपुलेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके साथ में ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग हर हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, चाहे इकोनॉमी वाले सेक्शन में देखने को मिले या सोशल इश्यू में देखने को मिले या इंडियन सोसाइटी या एथिक्स में, कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आयु संरचना की बात देखो, पहले तो डिवाइडेड किया जाता है, याद करना पीटी में क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन को मतलब किस एज को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। 0 से जो 14 वर्ष होता है नॉर्मली उसको बच्चा बोला जाता है, चाइल्ड जो होता है। ठीक है, फिर होता है 15 से 59 वर्ष, इसको बोला जाता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। मतलब इस पॉपुलेशन में यह मान लो कि जनसंख्या लाभांश ही बोलते हैं इसको। रीज़न इसका है कि इस एज से मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है कानून है उसके द्वारा भी अलाउ है कि काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट मोस्टली लोग 50-60 साल तक काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। और ये जो 0 से 14 वाला ये डिपेंडेंसी रेशियो है, क्योंकि ये डिपेंडेंट रहते हैं इन लोगों पे। ठीक है, फिर आगे आएगा 60 से अबव वाले। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंट रहता है किस पे, इसी पे। इसीलिए सारा जो है किरदार इन्हीं लोगों को निभाना पड़ता है। जो फैमिली में आप देख लो जो इस एज फेज में होंगे वही लोग घर के लिए कुछ कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। ठीक है, और ये वाले जो लोग हैं वो घर में बैठे बैठे खा रहे होंगे ये वाले दोनों लोग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो यही स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी 15 से 59 वाली जो पॉपुलेशन है इंडिया में 65% के समथिंग है। तो ये जो अपने वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बोलते हैं इसको, वर्किंग जो कार्यशील है जनसंख्या। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाद में आयु संरचना, आयु संरचना का अर्थ क्या होगा वो मैं बता दिया। स्वरूप आयु संरचना में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण क्या और परिणाम क्या रहे, तो आयु संरचना का अर्थ क्या है, किसी देश की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के अनुपात की आयु संरचना कहा जाता है। जैसे स्वरूप 0 से 14 वर्ष मैंने बोला, तो ये कितने परसेंटेज होगा, 30, ध्यान से समझना है, लगभग 30% मान के चलो। 1970 देखो अभी कम होता जा रहा है, ये चीज़ ध्यान से समझना है। 1971 में 41 था, 2001 में 35 था, और अब सोचो 29 हो गया, मैं पक्का बता रहा हूँ। लगभग लगभग ये मान के चलो कि 2000, क्योंकि ना अब अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि गाँव में जैसे पहले प्राइमरी स्कूल में पहले बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, परंतु अभी अगर प्राइमरी स्कूल में जाओगे ना, जैसे मान लो पहले 50 बच्चे मिल जाते थे, ठीक है, तो अब आपको ना 20-25 बच्चे ही मिलेंगे, मतलब 50% कम हो गए। तो ये पक्का है, लगभग लगभग अगर ये जो नई जनगणना आएगी उसमें 20% चले जाएगा, ये देख लेना, ये खुद ऑब्जर्व भी करो। जैसे छोटे बच्चे आजकल कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग पेरेंट्स मोस्टली एक बच्चे पे रोक देते हैं या दो पे, बस मैक्सिमम जा भी रहे हैं कोई 3 लोग तक, इसे याद रखना। तो सब ऐसी बात, बच्चे कम पैदा होंगे। ठीक, अब ये 15 से 59 एज वाली 62% पॉपुलेशन है। ठीक है, अब फिर बता रहा हूँ ये के एज कम होती जाएगी, क्यों होगी कम, क्योंकि इसमें से लोग इधर जाते जाएंगे, तो ये कम हो गया, इधर से कम बच्चे पैदा हो के आ रहे हैं। तो मतलब समझो ये चीज़ कि यहाँ पर ये कम होता जाएगा। जैसे मान लो पहले 1997 में अपने पास 53% थे, ठीक है, 2001 में 57 हुए, ठीक है, और अभी ये बढ़ गए थे, क्योंकि उसके बाद मान लो कि 2001 में पॉपुलेशन ये बच्चे ज़्यादा हुए होंगे। ठीक है, तो ये वाला बढ़ा, परंतु फिर बता रहा हूँ आगे जाके कम हो गए, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होता। जैसे जापान अपन में क्या हो रहा है, बूढ़ों का शहर हो रहा है। जैसे अभी देखो भारत में 60 से ऊपर वाले 8% लोग ही, जिसमें 65+ तो 5.3% ही है। ठीक है, परंतु माना जा रहा है कि 2050 तक जो है 20% होगा। सोचो अभी इतने लोग इस पर निर्भर हो जाकर ये लोग कम होते जाएंगे, तो ये इन पर ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा, तो इनके लिए गवर्नमेंट को जो वेलफेयर स्कीम है वो बहुत सारी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो अभी युवा जनसंख्या जो 10 से 24 वर्ष है, ये इसको यंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, वो 36 करोड़ है। ठीक है, तो ये इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे ये किसी भी देश में रहता है तो वो वहाँ पे ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा रहता है, और ह्यूमन लेबर जब ज़्यादा रहता है तो सब ऐसी बात है, उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि वो कमाएगा तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, कुछ खर्चा करेगा, तो ये लोग देश चलाते हैं, ध्यान से समझ लेना। दूसरी बात, इन गवर्नमेंट इनके सपोर्ट के लिए कुछ ज़्यादा करती भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बच्चों के लिए करेगी या वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा खर्चा करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो उत्तरदायी कारण क्या है, ठीक है, देखिए परिवार नियोजन का विस्तार और लघु परिवार के महत्व तेजी से वृद्धि हुई, इसीलिए मैंने क्या बोला, ये वाले जो बच्चों की संख्या है वो कम होती जाएगी, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के सारी चीज़ें चल गई, जो मतलब जो गर्भनिरोधक गोली होती है उनका यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, बच्चे आजकल लोग चाहते भी नहीं है कि छोटा परिवार बढ़िया सुखी परिवार, तो इस कारण से सब ऐसी बात है, ये जो है ये पॉपुलेशन अपनी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कारण है कि जो शिफ्ट जो है चेंज हो रहा है। दूसरा, मॉडर्न एजुकेशन आ गया, तो मॉडर्न एजुकेशन सब ऐसी बात है कि महंगी भी है। ठीक है, पहले एजुकेशन कंपटीशन का दौर है इस दौर में,
प्रैक्टिकल इस दौर में सब ऐसी बात है कि तो लोग बस पढ़े लिखे समझे लोग तो डिसीजन सही लेते हैं, एक मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है दो बच्चा टू चाइल्ड पॉलिसी उसको फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर अगर लिंग असमानता में कमी आई, अब देखो महिलाएं पुरुष बराबर है क्योंकि दोनों को बराबर एजुकेशन मिल रहा है सारी चीज़ें, तो सब लोग अपना सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं, तभी तो लिव इन रिलेशनशिप इस टाइप के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का सेल्फ डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद हमेशा याद रखना, ठीक। स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार हुआ है, पहले मैं वही बता रहा था लोग मर जाते थे, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, परंतु अब जब हेल्थ सिस्टम अच्छा आ गया तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारे दो बच्चे भी रहेंगे, जिंदा रहेंगे आखिर तक, ठीक है। तो इस कारण से जो सब ऐसी बात है लोग कम बच्चा पैदा करें, ठीक है। तो दूसरी बात, इस एज में जो लोग रहते थे वो भी तो मर जाते थे, ये वाले लोग मर जाते थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जनसंख्या समस्या के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, लोग मतलब समस्या मानने लगे, तब से ये भाई देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपन इसमें कंट्रीब्यूट करें कि अपन कम से कम बच्चा पैदा करें ताकि देश का मतलब विकास, नहीं तो वही होगा फिर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगी, सारी चीज़ें दिक्कत होगी, तो ये भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, निश्चित रूप से कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में पहले से वृद्धि की गई है, इसके बावजूद ये विकसित देशों के 70% की तुलना में कम है, फलतः आर्थिक विकास की गति धीमी बनी हुई है। ध्यान से समझना, बात है कि इंडिया में जनसंख्या तो है यंग एज, परंतु उनके पास स्किल नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो उल्टा मतलब घर वालों पे ज़्यादा निर्भर, उल्टा सोचो देश को कमा के जाना चाहिए, तो इसीलिए देखो आजकल अभी राज्यों में चुनाव हो रहा, तो ये चीज़ ध्यान से रखना, बेरोजगारी भत्ता वाला वो एक नया कॉन्सेप्ट चल गया, 5,000 रुपये पर 1% को दिया जा रहा है, अभी सरकार को नुकसान हो रहा है ना, उल्टा सोचो सरकार को कमा के देना चाहिए टैक्स के रूप में, महीने का 5,000, 10,000, 20,000 उल्टा सरकार से ले रहे हैं, तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है। परंतु वही है कि अदर देशों में कंट्री में जो विकसित या डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो यंग एज है वो उल्टा देश को कमा के देती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर अगला, निर्भरशील जनसंख्या की अधिकता के कारण, तो मैंने बताया था ना डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, मतलब जो 0 से 14 वर्ष हो गए और 60+ हो गए, ये डिपेंडेंसी बोला जाता है क्योंकि ये निर्भर है किस पे, 15 से 59 वर्ष वालों पे, कि अधिकता के कारण आय का एक बड़ा हिस्सा इन पर खर्चा हुआ, फलतः विकास दुष्प्रभावित हुआ। अब स्वाभाविक बात है गवर्नमेंट भी इन्हीं पे खर्चा करती है, ठीक है, और ये लोग भी इन्हीं पे खर्चा करते हैं। ध्यान से समझना, मान लो कि कोई परिवार में वृद्ध बीमार हो गया तो उसको मान लो दवा दारू, अरे स्वाभाविक बात है वृद्ध व्यक्ति हमेशा बीमार ही रहते हैं, मोस्टली बच्चे भी ऐसा रहते हैं मोस्टली बीमार ही रहते हैं, ठीक है। अब फिर इनका खर्चा देखना पड़ता है, दवाई ये सारी चीज़ें, तो इनका जो सेविंग है वो बस इधर खर्चा हो जाता है, जब सोचो नहीं तो सेविंग होता तो कोई और नया इन्वेस्टमेंट करते, तो इसी इकोनॉमी ग्रोथ होती, गवर्नमेंट को भी इन पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे अपन पैसा नहीं लगा पाते, और जब पैसा नहीं लगा पाते तो सब ऐसी बात, देखो पॉपुलरली गवर्नमेंट ही बन पाती है क्योंकि उनको पता रोड गाँव लोगों विकास नहीं चाहिए, लोगों को ये पता कि हमें कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, वो गवर्नमेंट अच्छी है, तो ये चीज़ याद रखना। बातें जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात बढ़ा है 8%, और वृद्धों की समस्या एक नवीन समस्या के रूप में उभर रही है, वही लोग इनको मान लो घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उस टाइप से एक नई जो है प्रॉब्लम उभर के आ रही है। फिर दूसरा, एज गैप के कारण हमेशा दिक्कत आती है, अब ये लोग जो है पुरानी विचारधारा वाले होते हैं, अब मान लो कि इन्हीं के सामने इनका पोता है या बेटा लव मैरिज करना चाह रहा है तो वो दिक्कतें होती है, या मान लीव लेने से, तो इसके कारण परिवार का जो विखंडन होता है, ठीक है, तो ये भी एक नई प्रॉब्लम है, ठीक। 0-14 वर्ष की आयु संरचना अपेक्षित कमी नहीं आई है, और भारत में जन्मदर की अधिकता के कारण इस आयु वर्ग का अनुपात अभी भी विकसित देशों के 18% की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि भारत में अभी कितना है 29% है, विकसित देशों में कितना 18%, पर मैं बता रहा हूँ कुछ सालों बाद में 10-20 साल बाद में पहुँच जाएंगे इस लेवल पर। फलत विकास के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास भी दुष्प्रभावित हुआ है, समय की बात अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कि कम होने चाहिए, इसका मतलब है कि जो अपन पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी ला रहे थे वो सफल नहीं हो रही है, ठीक। मैं मुझे पता है आगे हो जाएगा, ठीक है, इतना कोई हुआ नहीं। आयु संरचना में 65% 35 वर्ष तक के लोगों की विद्वानता है, ठीक, और 35.6 करोड़ युवा की विद्वानता, इसका एक सकारात्मक पक्ष है जिसका सही दिशा में प्रयोग करके इसे आर्थिक विकास में सहायक बनाया जा सकता है। इसी को लेके स्किल इंडिया मिशन चला था, तो मैं वही बता रहा हूँ, इस गवर्नमेंट सबसे फेलियर प्रोग्राम है, कुछ इन्हें उसमें गाय भैंस भी पढ़ रही है, उसमें लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कोई स्केलेबल नहीं हुआ। इसलिए देखो ना, कभी भी इस योजना के बारे में कभी आएगा भी नहीं, मोदी कभी इसके बारे में बोलेगा भी नहीं, सबसे फेलियर स्कीम है ये। सरकार राजकोषीय घाटा को बैलेंस करने के लिए आरबीआई से पैसे लेकर नए नोट छाप रही है, और इस वजह से और ज्यादा बढ़ रही है करता। अब जब करप्शन ये सारी चीजें होगी तो होगा ही ना, मैं अकेले बता रहा हूँ, जैसे ध्यान से समझना,
एक किलोमीटर को रोड बनने वाली, ध्यान से समझना चाहिए ना, एक किलोमीटर का रोड बनने वाला है, हकीकत में बता रहा हूँ ना, मान लो सरकार की 1 किलोमीटर रोड बनाना हकीकत में, अगर इसका 10 रियलिटी को ईमानदारी से काम करें ना तो 10,000 रुपये चाहिए, ध्यान से समझना, 10,000 में एकदम बहुत अच्छा रोड बन जाएगा 1 किलोमीटर तक, परंतु करप्शन के कारण यही 10,000 1 लाख में हो जाता चेंज। सोचो 90,000 तो करप्शन में जाते हैं, 90,000। दूसरी बात ये चीज़ सोचो, जब मान लो ये 10,000 में बन सकती है गवर्नमेंट, मान लो 10,000 में पारित की, 1,000 रुपये खर्चा हो गए इस रोड बनाने में, फिर वही है कि रोड जो बारिश होती है टूट जाती, ख़राब हो जाती है, 90% करप्शन में जाता है। कैसे, जो सबसे पहले तो गवर्नमेंट मान लो रिलीज किया स्कीम, ठीक है, तो वहाँ का जो नेता होता लोकल नेता, ठीक है, जैसे मान लो टेंडर मेरे को मिलना है तो मैं पहले इसको दूंगा कि मेरे को टेंडर मिले, तो इसका 50% कुछ परसेंटेज लेते हैं वो लोग, 30% पुलिस वालों को दो, इनको दो, ये दो। तो इंडिया में बहुत दिक्कतें हैं, ये चीज़ समझो, इसीलिए भी अपना बजट है वो हमेशा डिफिसिट में रहता है, हमेशा ओवर कैलकुलेशन होता है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक माल गोदाम होता है सर, जहाँ की सारे इक्विपमेंट रखे जाते हैं, मालूम है वहाँ क्या होता है सर? वहाँ से सर ठेका अलॉट होता है ना, तो ठेका अलॉट करने वाले मनमाने तरीके से उसका यूज करते हैं सर, यानी कि माल तो बहुत ज्यादा उठाते हैं, बहुत कम बनाते हैं। अरे सबसे बड़ा करप्शन मैं तुम लोगों को बताता हूँ, FCI में मैं गया हूँ इनके गोदाम में, ध्यान से समझना, FCI में क्या होता है, जैसे मान लो कि जो गवर्नमेंट MSP दर पे खरीदती है, ध्यान से समझना, तो इनको स्टोरेज किया जाता है FCI के गोदामों में, ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो पहले रखा गया है वही बाहर पहले निकलना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा ना, लास्ट में निकलेगा तो ऐसे गोदाम भरे रहते, ध्यान से समझना। तो क्या होता है इनकी, अब ये देखो मान लो नया ये सारे गोदाम आए, अब इसमें क्या करेंगे, जो मान लो कि ये होते हैं ना जो गेहूं के मान लो कि डीलर है, बहुत बड़े बड़े लोग, अब इनके पास जो गेहूं सड़ जाता है, ध्यान से समझना, इनके पास जो सड़ गया, अब ये क्या करेंगे, जो सड़ा हुआ माल यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, जो आप लोग खाते हो सड़ा हुआ माल इसीलिए रहता है, ये लोग इनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत बड़ा, मतलब लेवल पर ये धांधली चलती है बहुत बड़े लेवल पर, सोचो। फिर ये जब ये खराब, जो खराब माल ये हो गया, अब ये अच्छा माल ये लोग ले जाते हैं, फिर ये खराब माल जनता में बांटते हैं, ये हकीकत है। FCI जो PDS के थ्रू जो खाना मिलता, वो मिलता हुआ खाने लायक इसीलिए होता है, खाने लायक स्थिति में होता ही नहीं, ये हकीकत में बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है, ये बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है। इसके लिए स्टेट FCI ने कुछ दिन पहले एक कदम उठाया था सर, बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया था सर, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। मालूम है क्या हुआ था, जो वो अनाज देते उसमें कलर्ड अनाज रहते थे, ग्रीन येलो रेड कलर के, उसमें कुछ दाने मिले हुए होते थे, या कुछ लोगे तो वो उसमें रेड ग्रीन और येलो ऐसे करके कलर मिले रहते थे, जिससे कि ये पता चल जाता था कि ये FCI राज्य सरकार का गोदाम का अनाज है। तो अगर कोई आदमी बेचने भी जाता था ना, तो वहाँ के लोग नहीं खरीदते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सिस्टम यहाँ बंद हो गया है पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से लगभग। वो चलता है एक और लेवल का करप्शन बता देता हूँ, जिसे क्या होता है, जैसे मान लो गेहूँ की बोरी, ध्यान से समझ लेना, अब गेहूँ की बोरी मान लो कि 100 kg वजन है, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें से 5 किलो भी मान लो मैंने 5 किलो अनाज निकाला, ध्यान से समझना चाहिए, 5 किलो मैंने अनाज निकाल लिया, और 5 किलो अनाज की जगह मैंने कंकर भर दिया उसमें, ठीक है, या फिर मैंने मान लो कि वो जो गेहूँ के जो कटा हुआ कुछ कुछ वो रख दिया, ढुंडलिया बोलते हैं उनको, वो रख दिया 5 किलो, सोचो 5 किलो, ऐसे सोचो एक बोरी से 5 किलो निकाला गया, 1,000 बोरी निकाला गया तो 5,000, सोचो 5,000 एक किलो को दाम मारो, अभी आटा 50-60 रुपये चल रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो गया फ्री फोकट का। अरे बहुत करप्शन है, बोल जो कॉन्ट्रेक्टर रहता है FCI में, जो भी माल उतरेगा या फिर जाएगा वो उसका कॉन्ट्रेक्टर एक प्राइवेट आदमी होता है, कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं, और वो जब करता है तो वो केवल अपने खाते के लिए करता है, वो बीच से ही 2-3 ट्रक ड्राइव कर देते हैं, उसमें सड़ा पचा अनाज भेज देते हैं, होता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपन पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, PDS रिफॉर्म से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या होता है, ट्रैकिंग सिस्टम कर दिया, वो ट्रक को जो होता है उसमें ट्रैक कर दिया जाता है, तो उसका लोकेशन पता लग जाता है कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। दूसरा उनका कलर येलो कलर होता है उस ट्रक का पूरा, तो सब लोग पहचान जाते हैं, तो वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी देखो छोड़ो। अब देखो जनसंख्या के लाभांश, अब देखो ध्यान से समझना, मैं वही बता रहा जो 15 से 59 वाली जो एज होती है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है,
ये जनसंख्या लाभांश कैसे हैं मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यही एज जो होती है घर परिवार को भी चलाती है, दूसरा देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, यही वर्कर लोग होते हैं, यही एम्प्लॉय लोग होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक ध्यान से समझ रहे हैं। दूसरी बात, यही गवर्नमेंट को टैक्स कमा के देते हैं, इसीलिए इसको जनांकीय के लाभांश बोला गया, ठीक है, ये याद रखना। अर्थ स्वरूप आर्थिक विकास में जनांकीय लाभांश की योगदान है भूमिका, सुझाव समीक्षा, ठीक है। किसी देश की जनसंख्या के आयु संरचना में कार्यशील जनसंख्या, ध्यान समझना, वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 से 59, यही लोग कार्य करते हैं कानूनी रूप से, फिर बता रहा हूँ ऐसे तो करते तो बच्चे भी हैं परंतु कानूनी रूप से तो अलाव कहाँ से हैं, 15 साल से है, के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप उस जनसंख्या का आर्थिक विकास में योगदान जनांकीय लाभांश डेमोग्राफी डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी अपनी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं लेबर के रूप में, या कल आप लोग जब इम्प्लॉय करोगे, अभी नहीं हो आप लोग, मैं फिर बताऊँ मैं भी नहीं हूँ जब तक आप इकोनॉमी में जाके कुछ काम नहीं करोगे जब तक नहीं होगा, जब तुम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दो, टैक्स तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में तो देते ही हो, परंतु जब तक आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे तो सब अच्छी बात है, वो कैसे हो जाएगा, ठीक। अभी अभी सरकार पे अपन बर्डन है, सरकार से अपन मान लो कि जो बेरोजगारी भत्ता उठा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। स्वरूप भारत में जनसंख्या के आयु संरचना में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में हुई वृद्धि 2001 में 57% से बढ़कर 2011 में 62.5% हुआ, तो इसका मतलब पॉपुलेशन, यंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, तथा युवाओं की संख्या में हुई वृद्धि 35.6 करोड़ भारत की एक नवीन घटना है जिसने भारतीय जनांकीय लाभांश वृद्धि को संभव बनाया। परंतु बात है ना इसको भुनाने वाली, मैं बता रहा हूँ, जब ये 35 मान लो कि इतने लोग हैं 62% लोग, इसमें तो आधे लोग तो वही बैठे हैं बेरोजगार, 32% इंडिया में 50 सोचा भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो ये आधे लोग तो ऐसे डिपेंडेंट हैं, उल्टा ये एक और ख़तरनाक चीज़ है, ये यंग होते हो फिर, अब मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी बेरोजगार रहते हैं तो फिर क्या करेंगे, चोरी घटनाएं, रेप, ये सारी चीज़ें करेंगे, आतंकवादी बनेंगे इनमें से कुछ लोग, क्योंकि भाई समझ जब उनको रोजगार नहीं मिला तो कुछ तो करेंगे वो लोग, क्योंकि घर वाले जब सुनाते हैं ये सारी चीज़ें, तो भाई हकीकत में तो कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी, तो ये हकीकत ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बात है अर्थव्यवस्था में योगदान कैसे होता है, प्राथमिक क्षेत्र में मान लो कोई एग्रीकल्चर में लगा हुआ है तो अपेक्षित रूप से कम योगदान दे पाते हैं, क्योंकि 14% ही, 14 से लेकर 18% बोला जाता है कि GDP में इतना ही योगदान देती है एग्रीकल्चर। तो मान लो जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं जो खेती भी करते हैं तो वो योगदान तो देते हैं इंडियन इकोनॉमी में, पर हमेशा याद रखना बहुत कम परसेंटेज, क्योंकि 14 से 18% ही। द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग अपेक्षित रूप से अधिक योगदान देते हैं, ठीक है, ये 30% लोग होते हैं जो इसमें होता है, ठीक है। अगला तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक योगदान इसी का ये होता है, याद रखना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये इकोनॉमी के संदर्भ में बता रहा हूँ, ये लोगों के संदर्भ में नहीं बता रहा हूँ, देखो लोगों का संदर्भ उल्टा होगा, ये लोग देते हैं 28 से 30% समथिंग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अभी बचा हुआ जो जितना भी रहेगा कितना हो गया, लगभग लगभग मान के चलो 50 से 55% ये लोग ही देते हैं, ठीक है, 30-40 मान लो 45 हुआ, 45-55, हाँ ठीक है। तो ये लोग अब देखो इकोनॉमी में देते हैं मतलब टैक्स वैक्स के रूपये इनमें, परंतु लोग कहाँ ज़्यादा लगे हुए हैं, आज भी लोग इसमें 68% के समथिंग लगे, ठीक है। अब देखो कुछ बचा कुछ भाग ही मान लो 20-22% लोग इसमें लगे हुए हैं, और फिर 5-6% लोग मतलब इसमें लगे हुए हैं, और उन लोग सोचो वो ज़्यादा, इसलिए देखना जो मतलब जो थर्ड सेक्टर होता है उसमें लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ ध्यान समझना, एग्रीकल्चर में लोगों की इनकम बहुत ख़राब होती है। हाँ वही मैं एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, तो मेरा कहने का मतलब है कि सोचो एक तो इसमें कम लोग भी है, तो सोचो ध्यान से समझो, देखो अभी मैं एक डाटा बताता हूँ तुम लोग समझ में आएगा। देखो मतलब मैंने माना कि इंडिया में टोटल 100 लोग हैं, ठीक है ध्यान से समझना, तो 100 लोगों में से 60 लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, 30% यहाँ पे काम करें, 10% यहाँ पे काम करें, ठीक 10 लोग। अब इंडिया में मान लो 100 रुपये पैदा हो रहा है, ध्यान समझना, 100 रुपये जनरेट हो रहे हैं, तो 100 रुपये में से जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो 15 रुपये का योगदान देता है, ठीक है, ये लोग दे पाते हैं 30 के समथिंग मान लो, ठीक है, और ये 55 के समथिंग, ध्यान समझना। अब यहाँ पे 60 लोगों में ये 15 रुपये बटेगा, तो एक व्यक्ति में कितना आएगा, 15/60, ठीक है, तो सोचो कितना कम रुपये आएगा, ये 30 लोगों में बटेगा 30 रुपये, तो एक व्यक्ति के पास 1 रुपया आ रहा है, ध्यान से समझना, परंतु ये लोगों के पास 10 मतलब सोचो 55, तो मतलब एक व्यक्ति के पास 5.5। इसीलिए देखना जो हमेशा जो टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं उनकी हमेशा इनकम भी ज़्यादा होती है, उनकी लाइफ स्टाइल भी होती है, अरे ये कहीं ना कहीं असमानता क्रिएट करता है, इसे याद रखना।
तो अपन जो पढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट भी आएगा कि इंडिया में जो ये जो है असमानता, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो खास तो ये वाला जो सेक्टर होता है उसमें, ठीक। इसलिए क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट कि हमें एग्रीकल्चर में वो बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, इसलिए तो, क्योंकि इसमें बहुत कम, सोचो अभी कितना आ जाएगा, 1/2 मान लो 15 × 60, 1/4, ठीक है। अब 1/4 ये 0.25 रुपये आ रहा है, सोचो ये बेचारे तो ऐसे गरीब रह गए, फिर कभी अकाल वकाल आ जाता है वही और अलग दिक्कत, इसलिए वो लोग गरीब हैं समझो, क्योंकि ज़्यादा लोग लगे। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम चलाएगी, दोनों काम करेगी, एक तो एग्रीकल्चर में सेक्टर में चाहिए लोग कम से कम लगे, तो क्या लाएगी, टेक्नोलॉजी लाएगी, तो ये लोग इधर ट्रांसफ़र होंगे, फिर अब उधर तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, तो इसलिए देखना जो किसान के बेटे तो क्या वो करेंगे, क्या तो उनको पढ़ने के लिए कोचिंगों में पढ़ाएंगे, पैसे वैसे देखे, ठीक है, वो काम होगा। ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में भेजेंगे उनको, लेबर वेबर बनेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सारे याद रखना, तो गवर्नमेंट का भी यही प्लान रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि एग्रीकल्चर से लोग निकले, तो इसलिए टेक्नोलॉजी लाएगी, ये सब कुछ करेगी, इसीलिए अपन साइंस टेक्नोलॉजी इसीलिए पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। एक वैश्विक आकलन के अनुसार भारत 2050 तक अपने जनांकीय लाभांश के कारण आर्थिक विकास में समृद्धि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है। कि अपन जो, पर मैं फिर बता रहा हूँ, तब तक नहीं होगा जब तक स्केलेबल नहीं होगी। यदि 35.6 करोड़ युवाओं को कौशल विकास कर दिया जाए तब लाभ मिलेगा, ये उससे पहले नहीं मिलेगा, पर तो वही बता रहा हूँ, इसके लिए इंडिया मिशन असफल रहा। विश्व स्तर पर सॉफ्टवेयर BPO, ठीक है, KPO, LPO आदि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान के कारण अब भारत अग्रणी देशों में शामिल है। अब ध्यान से समझना, ये बात सही है, अब लोग क्या ना यहाँ से भारत से लोग बाहर निकल के जा रहे हैं। और मैं फिर बता दूँ, जो सॉफ्टवेयर है आज पूरा ऑल ओवर इंडिया ही सॉफ्टवेयर संभाल रहा है, इन्फोसिस, टाटा कंपनी, ये सब सारी चीज़ें, BPO प्रोसेसिंग, ये भी इंडिया ही आज पूरा वर्ल्ड का संभाल रहा है। के वाला मतलब नॉलेज वाला, जो टीचर वीचर लोग विदेशों में जाके बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये सब चीज़ें इंडिया ही के लोग हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि सब ऐसी बात है, यहाँ जो रोज़गार नहीं तो लोग क्या विदेशों में जाते हैं, मतलब ये लेबर वाला हो गया, ठीक है, ध्यान से समझ, लेबर वाला जो सऊदी अरब इधर मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं, ठीक है। नॉलेज वाले लोग अमेरिका में बड़ी बड़ी गूगल कंपनी इनमें जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर बनेंगे यूरोप, यूरोप यूरोप में जाके देखो पूरा लोग वही है। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, जब वहाँ जाके फिर यहाँ से वो भेजते हैं अपने को, रेमिटेंस भेजते हैं, तो ऐसे फिर देश को लाभ होता है, ठीक है। तो जो भारत की जनांकीय लाभांश में वृद्धि और वृद्धि की संभावना को परिलक्षित करता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा याद रखना, क्यों IR के संबंध जरूरी हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, इन लोगों के कारण गवर्नमेंट चाह रही है कि सही रास्ते रहे। जैसे अमेरिका मान लो वीज़ा पॉलिसी हार्ड कर देता है तो इंडिया के लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इंडिया फिर क्या करेगा, उनसे रिलेशनशिप अच्छा करेगा। मिडिल ईस्ट में अब जैसे अभी मान लो कि इजराइल में वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ के लोग वहाँ रहते थे, अब सोचो गवर्नमेंट वहाँ से ला रही है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में रेमिटेंस भेजते, तो रेमिटेंस टैक्स भी तो आता है यहाँ पर जब यही पैसा यहाँ पे ग्रो करता है, इकोनॉमी में लगता है पैसा, तो कितना फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, नहीं तो गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना। भारतीय वार्तीयता नहीं, सबसे पहले मेन चीज़ आता है आर्थिक चीज़, ये चीज़ याद रखना है। आगे देखो, आर्थिक विकास में योगदान, सामाजिक विकास में योगदान। अब स्वाभाविक सी बात है, जब ये जनेंगे कि लाभांश अच्छा रहेगा, ये अच्छे से कमाएंगे, ध्यान से समझना ये चीज़, तो स्वाभाविक सी बात है फालतू की चीज़ें उधर उधर नहीं करेंगे। अब माल में वही तुम्हें बार बार बता रहा था कि जब एक वर्किंग है, एक लड़का मान लो सुबह से शाम काम कर रहा है, भाई 10 घंटे की उसकी ड्यूटी है, तो उसको फालतू टाइम बचा ही नहीं, उसके पास आएगा सो जाएगा, चुपचाप सुबह उठेगा चले जाएगा। अब एक व्यक्ति जो खाली बैठा है 24 के 24 घंटे, तो उसके मन में 24 प्रकार के विचार आएंगे, तो वह चोरी भी करेगा, बलात्कार भी करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, इनको सबको बढ़ावा देगा, या बजरंग दल जैसे लोगों के संगठन बन के फिर लोगों को परेशान करते रहेंगे लोग। मतलब मेरा कहना मतलब कि खाली लोग ही करते हैं ये चीज, जाके देखना कभी। यहाँ तो सर छोटी मोटी लड़ाई होती है सर, तो 200-300 लोग आ जाते हैं। हाँ तो वो बेरोजगार है ना, बेरोजगार है ना, इसलिए आप जो अरे मजा भी तो आता है, हाँ मजा भी तो आता है देखने में। इधर आते रे को बताता हूँ, मजा भी आता। चलो ठीक, आगे देखो, तो जनांकीय लाभांश ने आर्थिक समृद्धि गति प्रदान की और भारत के आर्थिक विकास की ओर अग्रसर किए। सभी सी बात है, जब जनांकीय लाभांश से ये लोग इकोनॉमी रूप से फायदा पहुंचाएंगे, तो देश का भी विकास होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, टैक्स गवर्नमेंट सड़कें बनाएंगी, स्कूलें बनाएंगी, हॉस्पिटल बनाएंगी, सारी चीज़ें करेगी। आधुनिक तार्किक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी संभव हुआ। कैसे होगा, सभी सी बात है, जब ये लोग जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर मान लो कि कंपनी में सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन लेंगे तब लोग जॉब मिलेगा, तो सब ऐसी बात है, जो पहले गाँव की रूढ़िवादी परंपरा होती थी वो लोग नहीं मानेंगे, सब ऐसी बात है, क्यों मानेंगे, जब ये चीज़ें स्केलेबल हो रहे हैं, लोग ज्ञान ले रहे हैं, ठीक।
धार्मिक रूढ़ियाँ अंधविश्वास आदि का विरोध और उन्मूलन संभव हुआ है। अब इससे ही मैं बता रहा हूँ ना, जब लोग पढ़ लिख के रोजगार लग जाएंगे तो वो इस चीज़ों को उसे भी बढ़ावा देंगे। अभी जैसे अभी मेरा थोड़ी देर पहले मेरे बड़े भाई का कॉल आया, तो वो बोल रहा था कि तुम्हारा मकान किस किस दिशा में जागता, तुम उस मकान को छोड़ दो, ये वो। तो अब लोग क्या करेंगे, अब यही होता है जब असफल व्यक्ति होता है तो फिर वही 10 बहाने ढूंढता इधर उधर के। तो ये चीज़ें याद रखना, अच्छा तुम सफल हो जाओगे तो ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना, और नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, लिंग समानता। ठीक है, अब देखो सब ऐसी बात है, जब लड़कियाँ बाहर जा रही है कमा रही है तो भाई लिंग समानता आ रही है, मानव अधिकारों की बात हो रही है, पर्यावरणीय चिंताओं पर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पास ये लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन कमा रही है, देश को पैसा दे रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पर पैसे आ रहे, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पर सोच पा रही। एक नवीन जीवन शैली उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिला, तो इसीलिए देखो ना मॉल कल्चर ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन ये सोचो नहीं है, एक रोजगार का साधन आ गया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ये लोग कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इनको पता है तो पैसा कमा रहे, तो भाई हाँ अब उनके पास टाइम नहीं होता तो भाई वो जाके खरीद के लाए, तो ऑनलाइन खरीदो, इसलिए तो इकोनॉमी है। सोचो अगर ये लोग कमाए नहीं तो खरीदेंगे क्या फिर? तो ऐसे इकोनॉमी क्रिएट होती है, ये चीज़ याद रखना। तो सबाई बात भाई जनरल के लाभांश तो ये अच्छी बात है, सब कुछ अपने देख लिया, पॉजिटिव फायदे इसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है, पर बात है कि कहीं ना कहीं तो अभी भी अपन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आखिर में और क्या करना चाहिए? तो समानुपातिक न्याय से युक्त विकास को संभव बनाया जाए। सबसे पहली बात मैं वही बता रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, सर्विस सेक्टर बहुत आगे है, ऐसा नहीं, सबको बराबर लाओ। इसीलिए इंडिया में ये सबसे बड़ा बोला जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम से मैन्युफैक्चर सेक्टर में, फिर विदेशों में ऐसा होता है कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार होता है, फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर में सुधार होता है, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होता है। पर इंडिया में उल्टा क्या हुआ, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से अपन इधर आ गए, ना तो एग्रीकल्चर में सुधार किए, ना इसमें हुआ, ना इसमें, डायरेक्ट इसमें आ गए। इस कारण से इंडिया में ना जो बेरोजगारी दिखती है उसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि मैन्युफैक्चर सेक्टर ये होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है, चीज़ ध्यान से समझ देना। क्योंकि जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी आती रहती, तो टेक्नोलॉजी हमेशा ह्यूमन को रिप्लेस करती, परंतु याद रखो मैन्युफैक्चर सेक्टर में जो है मोस्टली ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की संभावना बनती, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आती है पर वहाँ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ह्यूमन का इंपॉर्टेंस हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो टेलर का काम है, अब भाई वो टेलर का काम व्यक्ति ही कर सकता है, मशीन आएगी तो हेल्प करेगी, ध्यान से समझना, परंतु उसको रिप्लेस नहीं करेगी उस इंसान को। परंतु जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो सोचो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे मान लो गूगल सीरी आ गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आ जाएगी। पर ये हमेशा एआई का देखो कितना बड़ा यूज हो रहा है, जैसे पहले सोचो बाहर गार्ड के रूप में कोई व्यक्ति को जॉब मिलता था, पर गूगल सीरी जैसे ये आ गए, रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट आ गए, तो ये सर्विस सेक्टर में आएंगे, याद रखना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आता है, तो ये चीज़ें भी है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। तो समानुपातिक न्याय से युक्त विकास संभव बनाया जाए। दूसरी बात, सबके साथ इक्विटेबल जस्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज भी मैं वही बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर जो लोग हैं वो तो बहुत पिछड़े सर्विस सेक्टर के एकदम पूरा देशों पर राज कर रहे हैं, 5% 10% लोग होते हैं, इसलिए देखो ना मुकेश अंबानी और वो अडानी हैं, ये सर्विस सेक्टर वाले लोग ही तो है, ये लोग ये खेती चली करते हैं जाके, ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये लोग सर्विस सेक्टर के थ्रू पैसे कमाते हैं, ये लोग राज करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रसार करके भारतीय जनसंख्या और स्वस्थ और कुशल बनाए। वैसा भाई सी बात है, जब तक एक श्रमिक अगर वो मान लो कि महीने में 10 दिन बीमार रह रहा तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो और से कम हो गई, तो सबसे पहले वो हेल्दी रहे तो उसके लिए दवा सिस्टम में सारी चीज़ें रहे। ठीक है, फिर दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति को जॉब पाना तो इसके पास स्किल होनी चाहिए, तो ITI ये सारी चीज़ें अपने को अच्छे से चलानी चाहिए, अपने गवर्नमेंट ये सब फेलियर है, करना चाहिए परंतु नहीं हो रहा है ना, और क्या करना चाहिए, शिक्षा के अत्यधिक प्रसार के द्वारा भारतीय को योग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाए और इसे तो प्रेरित किया जाए। अब सोचो मान लो कोई पढ़ लिख के अच्छा बन गया, डॉक्टर बन गया, तो भाई विदेशों में जाके कमा सकता है पैसा, यहाँ पे भी कमा सकता है। ठीक है, कोई IT सेक्टर में चला गया इंजीनियरिंग करके, पर देखो ना गवर्नमेंट की नीति फेल रही है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी जैसे BTech कोई करना ही नहीं चाह रहा, ख़त्म हो गया, क्योंकि जॉब ही नहीं मिल रही थी उधर, तो कहीं ना कहीं अपने को ह्यूमन रिसोर्स को बनाना पड़ेगा उस लाइक के पेपर। ठीक, गुणवत्तापूर्ण तकनीक शिक्षा प्रसार प्रशिक्षण के द्वारा इनके तकनीकी रूप से प्रत्येक प्रशिक्षित व कुशल मतलब ट्रेंड किया जाए इनको। ठीक है, स्केलेबल किया जाए, जैसे मैं खुद BTech करके निकला हूँ पर मुझे बता रहा हूँ मुझे कुछ भी आता जाता नहीं, तो यही इसीलिए बोला जाता है कि मैंने क्वांटिटी वाली एजुकेशन ली है, क्वालिटी वाली नहीं ली है, ये चीज़ ध्यान से समझना।
तो इसके कारण प्रैक्टिस नहीं की क्या एक भी दिन? मतलब जाते हैं ना अप्रेंटिस के लिए, वो नहीं गए क्या? अरे गया ऐसे कॉलेज गया हूँ, पर बात है ना कि टेक्नोलॉजी रूप से तो मैं वीक ही हूँ ना। मेरे दोस्त लोग जो आज अमेरिका में काम कर रहे हैं, सब मेरे बैचमेट सब लोग फॉरेन में सेटल्ड है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्किल थी ना, वो ट्रेंड थे उन चीज़ों में। तो मैं बताऊँगा बात की बात है क्यों क्या सारी चीज़ें होती, पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे आखिर में मैं उनके कंपेरिजन, वो तो अलग बात है, मुझे यूपीएससी आना था, इधर था मामला वो भी था, तो इसलिए मैं सीखा भी नहीं कभी, तो वो वाली बात होती है। ठीक है, उपयुक्त तरीके से विकसित मानव संसाधन को आर्थिक सहभागिता तो अवसर प्रदान किया जाए, रोजगार की उपलब्धता करवाई जाए, तभी इस जनसंख्या का अपन बेहतर यूज कर सकते हैं। तो याद रखना जल के लाभांश हमेशा अपने लिए खतरा बन जाएगा, तो दोनों चीज़ों अटेम करना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आती है लिंगानुपात वाला, तो ठीक है सोशल जस्टिस में भी अपन ये टॉपिक वहाँ भी इश्यू बन के आएगा, बस ये चीज़ याद रखना। अब देखो भारत में लिंगानुपात, ठीक है लिंग बस सेक्स रेशियो की बात होती है, मेल फीमेल कितने, बस ये चीज़ याद हमेशा याद रखना, इतने ट्रांसजेंडर उसमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, मेल फीमेल माना जाता है लिंगानुपात मतलब। ठीक, तो ये अपने को पता कि भारत में मेल फीमेल का जो रेशियो हमेशा ख़राब रहा, मतलब महिलाओं की संख्या कम रही है, पुरुष हमेशा ज़्यादा रहे हैं, उसका रीजन सी बात है पेट्रोशल सोसाइटी होती है, इस कारण से ये चीज़ें होती है। ठीक है, आप देखेंगे सबूत देखेंगे मैरिज को तो मना कर दिया ना कोर्ट ने। हाँ तो उससे क्या होता, तो फिर उसने वो संसद के ऊपर डाल दिया, वो संसद के बनाएगी उसके ऊपर वो कानून। बना सकती है आप, बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे ना, बीजेपी गवर्नमेंट कभी नहीं बनाएंगे। अरे ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बीजेपी गवर्नमेंट के कारण ऐसा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसे अपेक्षा नहीं की जा रही थी, कि वो उल्टा प्रोग्रेसिव स्टेप लेना चाहिए था उसको। ठीक है, अभी चुनाव का दौर है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी झुका दी गई मान के चलो, पर मैं पक्का बता रहा हूँ फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ही अपना डिसीजन चेंज करेगा, ये मैं 100% मैंने जितना 6-7 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, हमेशा ऐसा होता है कि वो पहले रिग्रेसिव डिसीजन ले रहे थे, फिर बाद में प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया उन्होंने। अरे जो पहले आया था तो पहले भी संसद के ऊपर डाल दिया था, फिर बाद में भी तो लीगल कर दिया था ना ये पैसा। अरे लीगल कहाँ है, कौन बोल रहे थे पेशावर्ति लीगल नहीं? गूगल पर ट्राई किया था मैं, लिख रही थी ना तब देखा था। ठीक, वो देखेंगे वो अलग टॉपिक। चलो अभी इधर पढ़ो लिंग अनुपात पढ़ो। ठीक, देखो तो मेल फीमेल रेशियो की बात होती है, तो हमें जैसे भाई अपने को पता है कि फीमेल की जो जनसंख्या कम होती है, उसका रीजन ये होता है कि सबसे पहले पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में हमेशा पुरुष को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो धार्मिक रूप से हर तरीके से पुरुष को मान्यता मिलेगी, तो इसलिए सबसे बात है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमारे पुरुष, महिला कभी चाहते नहीं बहुत मोस्टली, अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है वो एक अलग मामला है। दूसरी बात, ठीक है अर्थ हो गया स्वरूप हो गया, भारत में गिरते लिंग अनुपात के परिणाम क्या रहे, तो इससे क्या नेगेटिव होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ। फिर वही रनवे लोग घूमते हैं, मतलब मैं एक लोकल लैंग्वेज इसलिए बता रहा हूँ तो लगे तुम ये चीज़ समझो, तो वो क्या होंगे जब ऐसे आवारे लोग जो है फिर जिनकी शादी नहीं होगी, तो फिर क्या दूसरी लड़कियों को छेड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी इश्यू है ना। आप पंजाब जहाँ हरियाणा इधर देखो बहुत बुरा हाल है, लड़कियाँ नहीं मिलती हैं यहाँ पर। ठीक, फिर ये लोग खरीद के लाते हैं, मैं एक स्टेट बता रहा हूँ, मतलब 2018 मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मतलब देखो ना हिंदी की न्यूज़पेपर में बस ये उल्टी सुलटी, पर हाँ समाज को समझने का थोड़ा बहुत मिलता है। तो उस आर्टिकल में ऐसा था कि है ना, हरियाणा की बात है, तो उसमें ऐसा था कि एक परिवार के 3-4 लड़के थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ से एक लड़की को ख़रीदा, उसके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि 10,000 रुपये उसको ख़रीदा। अब उसको एक वो लाए, तो एक मतलब जो मकान में रखा उसको, सोचो सेक्सुअली खूब उसका यूज हुआ, ठीक है आखिर में उसको बंद कर करा के चले गए, वो आखिर वो लड़की वहीं मर गई। मतलब लोग मतलब सोचो कि आखिर में क्या है कि उनके पास अब वो सेक्सुअली यूज के लिए पत्नी, मतलब सोचो पत्नी बना के लाए वहाँ, सब कुछ ऐसा हुआ, परंतु आखिर में क्या हुआ, उनको क्या चाहिए था। तो मतलब मेरा कहना, मतलब जब सेक्स रेशियो गड़बड़ाता है ना, तो भाई बहुत दिक्कत होती है, ये चीज़ याद रखना, बहुत बड़ी इशू है। इसलिए मेल फीमेल बराबर रहना बहुत ज़रूरी है, अनैतिक संबंध बनना, ये सारी चीज़ें इसीलिए शुरू होती है, जो सेक्स वर्कर है वो इसीलिए शुरू होती है। हमेशा अगर डिसबैलेंस रहेगी तो बहुत सामाजिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो वो देखेंगे कि लिंग अनुपात के परिणाम क्या है, गिरते लिंग अनुपात के कारण क्या है,
और भारत में गिरती लिंग अनुपात रोकने तो क्या सजेशन होना चाहिए। तो वही है प्रति 1000 पुरुषों पर मुख्यतः भारत में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। तो वही है कि जैसे अभी 1000 पुरुषों पर कितनी है, शायद 919 या 924 के समथिंग, ऐसा कुछ जो भी है अभी इधर आ जाएगा। भारत में लिंग अनुपात निरंतर गिरावट आई, 943 है भाई, ठीक है याद रखना ये चीज़, ठीक है अभी और बढ़ा है, आपकी बात जब जनसंख्या आएगी तो क्या मैं बता, लोग पढ़ लिख रहे हैं आप समझ रहे हैं चीज़ों को रीजन में, फिर बताऊँ गवर्नमेंट का कानून वो PCPND टेक तो आज ही फेल है, लोग खुद से समझ रहे हैं क्या, ठीक है लड़का लड़की सब बराबर है। जैसे भाई सफाई की बात है, मैं खुद कल तो मैं तो नहीं करूँगा भाई कोई कंपेरिजन, और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ आप लोग भी कल ना करो भाई, ऐसा नहीं लड़का लड़की में फिर वो भेदभाव करने लग जाओ, नहीं हमें लड़का ही चाहिए कौन है जिसको लड़का ही चाहिए लड़की नहीं चाहिए। तो भला कहने में लगे लोग अवेयर हो रहे हैं, आप लोग खुद से डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी बात महिलाएं पढ़ लिख रही है तो खुद से डिसीजन ले रहे, पहले ऐसे होता था कि सास के कहने पे इनके कारण मतलब लड़का ही चाहिए होता था, लड़कियां होती थी घर में तो मरवा देते थे, ऐसा होता था, ठीक है। तो ये सारे मामले हैं, भारत में लिंग अनुपात में निरंतर गिरावट आई है और यह 1901 के 1972 तक, सोचो उस टाइम में। इसीलिए बोला जाता है कि क्या अपन अभी सिविलाइज है या अपन और बेकार स्थिति में चले गए। सोचो 91 में उस टाइम इंडिया का एजुकेशन जो है साक्षरता दर 10% भी नहीं थी, सोचो तब महिला इतनी थी, और आज सोचो ये हालात है, वो तो पहले तो और बुरा हालात हो गया था, अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं, पर सोचो 2011 के एक सोचो इतने साल अपन आगे बढ़ गए हैं, 100 साल से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, पर ये इतनी ख़राब स्थिति है, इसका मतलब तो बेचारे पुराने जो लोग थे वही सही थे, बिना बेचारे पढ़े लिखे थे लड़कियों तो मारते नहीं थे, उल्टा लोग पढ़ लिख के लड़कियों को मार रहे हैं, ये हकीकत बात है। जो मान लो टेक्नोलॉजी यूज़ करते कौन हो, पढ़े लिखे लोग ही तो उनको पता था, अच्छा ऐसे बच्चा पता लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इसका मतलब है कि मतलब एजुकेशन ले ली, इसका मतलब ये नहीं है, आप अपने अंदर क्या क्वालिटी से वो क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैं आज की बात बता रहा हूँ, मैं मतलब होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अब एक लड़की है सोचो MSc की हुई है, नहीं BSc की हुई है मैथ से, और उसको जोड़ बाकी नहीं आता, तो मतलब मेरा कहने मतलब अब इसका मतलब समझो ये चीज़, वो डिग्री तो ले ली है पर उसको रियलिटी नॉलेज तो नहीं है। तो वही चीज़ होता है कि जो लोग IAS की तैयारी भी कर लेते हैं फिर भी वो जातिवाद लिंग भेद ये सब सारी चीज़ें करते रहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर करते हैं। तो मतलब क्या है, पढ़ाई तो कर रहे हैं वो, क्वांटिटी वाली कर रहे हैं, क्वालिटी वाली नहीं। क्वालिटी जब करोगे पढ़ाई तो आपके आचार विचार में बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये चीज़ याद रखना कि जब बोला जाता है कि भाई नहीं जब लोग में समाज में लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बुद्धिमान हो जाते हैं जेंटलमैन बन जाते हैं, नो जेंटलमैन नहीं, ये देखो ये तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो एक कॉन्ट्रावर्सी में याद रख सकते हो इस चीज़ को कि जब जहाँ पे काउंटर करना हो, ठीक है। यदि 1990 में बाद से इसमें निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है तथापि आज भी है 1901 में 1972 की तुलना या विकसित देशों में 1000 सोचो विकसित देशों में महिलाएं ज़्यादा की तुलना में विश्व औसत 990 की तुलना में काफ़ी कम है। सोचो 990 होना चाहिए एवरेज पूरा वर्ल्ड का जैसा है, होना चाहिए तो 1000 होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत बना, इतना तो होना ही चाहिए ना, परंतु सोचो क्या हो रहा है, उल्टा दिक्कत हो रही है, ठीक। पर देखो केरल में 1000 ये जो नॉर्डिक कंट्री है ना सर, आइसलैंड फिनलैंड और एक क्या बोलते हैं ये सब, यहाँ की गर्ल्स रेशियो लड़कों से ज्यादा है। अब वो बताया नहीं यहाँ सर हैप्पीनेस, और वो तीनों हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर वन पे हैं सर। हाँ तो ये कोरिलेट कर सकते हो कि जहाँ वुमेन्स अगर अच्छे लेवल पे है तो सब ऐसी बात है वहाँ होगा ही ना, मैं समझो ना आप जैसे ध्यान अगर लड़कियों की ज्यादा रेशियो हो गई लड़कों से फिर वो भी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अरे मैं फिर बता रहा हूँ देखो, जैसे केरल में है, केरल में मान लो लड़कियाँ ज़्यादा है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ठीक है ज़्यादा कम बत्ती इतना, अब ऐसा होगा कोई बात नहीं। जो देखो अब ये देखो ध्यान से, यहाँ मान लो 84 ज़्यादा है ना, अब देखो यहाँ 4 कम है तो ये 4 महिला इधर चली जाएगी, आंध्र प्रदेश में इतनी कम है, गुजरात पंजाब में सोचो इतनी कम है, इधर ट्रांसफर हो जाएगी ना, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग मतलब समझो ये चीज़, वो सप्लाई डिमांड उसके लिए है ना नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि आज भी पता है लोग क्या क्या समझते हैं, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में उसको पंजाबियों की इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पंजाब में रहते हैं, और पंजाब में ब्राह्मण भी होते हैं बनिया हर जात होती है, बट लोगों को लगता है कि वो पंजाबी है। बताऊं रियल पंजाबी कोई नहीं है, सारे जो कन्वर्ट होके गए ना हिंदू से, लोगों को लगता है कि वो पंजाबी है। अब तुम लोग फालतू डिसीजन घुस रहे, चुपचाप सुनो इधर,
फालतू की बातें करते रहते हम लोग। सुनो मैं जब, अब देखो मैं एक चीज़ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना ठीक है। केरल, केरल में लड़कियाँ क्यों ज़्यादा, ध्यान से समझना, यहाँ एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। दूसरी बात, यहाँ पे साम्यवादी सरकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये चीज़, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ठीक है। पंजाब में देखना, पंजाब इधर सिक्किम विक्किम हो गया ठीक है, यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा है। ये पंजाब वंजाब में एजुकेशन देखना, लोग ना 10वीं भी नहीं पढ़ना चाहते वहाँ पे, पंजाब में बहुत बुरा हालत है एजुकेशन का भी, देखना इन लोगों का बहुत ख़राब लोग, मतलब एजुकेशन नहीं है सही, मैं बता रहा हूँ। हरियाणा वरियाणा में चले जाओ, एजुकेशन लोग कहाँ है, वो लटबाज होते हैं एक नंबर के यहाँ पे, इसीलिए है ना हरियाणा वरियाणा लोगों को रूम नहीं देते यहाँ पे लोग, क्योंकि वो भाई हर चीज़ पे लड़ाई करने पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर इतना अच्छा है नहीं आज भी, सिक्किम विक्किम में एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी वहाँ पर दिक्कत है, उसका रीज़न कुछ अलग होता है, जोग्राफिकल कंडीशन भी होता है ठीक है। तमिलनाडु देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी साउथ वाली स्टेट रहेंगे, आंध्र प्रदेश इनमें अच्छा रहेगा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा है, और मैंने एक चीज़ बोली थी उस दिन कि एक बायोलॉजिकल रीज़न भी होता है कि पंजाब में कम लड़कियाँ होती है, बायोलॉजिकल रीज़न भी है, और एक सोसाइटिकल तो है ही, मरवा देते हैं लोग वहाँ पे, और वहाँ पे लड़का चाहिए क्योंकि धर्म का प्रभाव रहेगा, और जहाँ साम्यवादी सरकार रही तो वहाँ धर्म का प्रभाव कम होगा, इसलिए यूपी बिहार में इधर देख लेना कम ही रहेगी ठीक है। भारत में लिंग अनुपात प्रति विविधताओं से परिपूर्ण है, जहाँ ये हरियाणा में सोचो इतना कम है, सोचो इतने तो कितने लोग कवारे रहते हैं, और दिक्कतें हैं। जम्मू कश्मीर में 889 है, सिक्किम में 890 और पंजाब में 895 है, वहीं केरल में सर्वाधिक 1024 है, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ ये, तो मतलब सोचो कितना बड़ा, यही इंडिया है, इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेज हैं ठीक। अगला ये दमन दीव में 618 ही है, सोचो वहाँ तो और बुरा हालात है, दमन एंड दीव में वहाँ पर 700, दादरा नागर हवेली ठीक है वहाँ 774, चंडीगढ़ में 818 ही, और दिल्ली में 888, सोचो दिल्ली इतना बड़ा कैपिटल है। यहाँ एक और अलग कारण है कि लोग यहाँ पुरुष ही माइग्रेट होके आते हैं, अपनी फैमिली को साथ में लाते हैं, तो एक ये भी कारण होता है ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि सब वन चाइल्ड पॉलिसी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो ये भी कारण है कि भाई एक लड़का एक लड़की हुआ तो पॉसिबिलिटी ऐसे कम हो जाएगी ना, और मोस्टली लोग क्या लड़का ही चाहते हैं, तो ये भी कारण है ठीक है। यह ईसाइयों में एक, अब देखो धर्म के आधार पर देखो, यह ईसाइयों में 1023 है, मुस्लिमों में 1951 है, हिंदुओं में 939 है, और सिखों में 903 है। अब ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रभाव भी इंपॉर्टेंट रखता है लड़का लड़की, इसका मतलब ये है कि हिंदुओं में तो भाई सभा इसी बात है, हिंदू धर्म का आप पूरा उठा के देख लो, उसमें लड़कों को प्राथमिकता दी गई है, लड़का ये कर सकता है, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, इसलिए हिंदुओं में कम है, और ये बात सही भी है ठीक है। सिखों में भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है ठीक है। आगे देखो, ठीक है आगे देखो, यह ST में 990 है, सोचो ट्राइबल्स लोग उल्टा ज़्यादा अवेयर है, SC में 945 है, यह भारत के गांव में 947 है, जबकि शहरों में 926 है, मतलब देखो पढ़े लिखे लोग गंवा रहे हैं, ये जो सीधा एग्जांपल है मतलब समझो ये हकीकत है, तो पढ़े लिखने से सही समझदार बन जाता है, बात है चीज़ें अप्लाई करने से। परिणाम क्या हुआ, अब देखो इसके नेगेटिव रिजल्ट क्या है कि विवाह से संबंधित निषेधों का उल्लंघन होगा, अब ध्यान से वही बता रहा, इसीलिए क्या होगा, लव मैरिजेज बढ़ेगी, अरेंज मैरिज बढ़ेगी, मतलब सॉरी लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेगी, इसीलिए बढ़ रही है, एक रीज़न ये भी है, ये चीज़ समझो। अब मान लो हरियाणा के लोगों को लड़कियाँ नहीं मिलती, नहीं वो दिल्ली आते तो यहाँ पर फिर वही करेंगे, तिकड़मबाजी करेंगे वो लोग, ये हकीकत है, आप ये चीज़ समझो ठीक। अंतर्राज्य विवाह में वृद्धि होगी, मुख्यतः हरियाणा और पंजाब में, मैं वही बता रहे थे, ये हरियाणा वाले लोग छत्तीसगढ़ से लाते हैं, पंजाब वाले यूपी के नहीं करते क्या? हाँ? यूपी के तो नहीं करते ना, करते हैं कि यूपी वाले कौन से शरीफ है, तुम्हें क्या लगता है ठीक है आगे देखो, वधु मूल्य का प्रचलन हो जाएगा, मतलब अब लड़कियां खरीद ही जाएगी, तो मैं वही बता रहा था, ये लोग 10-20 हज़ार 1 लाख ऐसे खरीद के लाते हैं, पैसा देके बहू लाते हैं, मुख्यतः हरियाणा और पंजाब में, क्यों लड़कियां है नहीं तो क्या करेंगे, यही काम करेंगे। अरे एक और चीज़ में बताता हूँ स्टोरी, पंजाब मतलब हरियाणा वरियाणा में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, ध्यान से समझना, अभी एक खेत है ठीक है, अभी एक एक फादर था उसके पास ये था, अब उसके 5 बेटे हो गए, ध्यान से समझना, अब 5 बेटे हो गए तो स्वाभाविक बात है एक तो लड़कियाँ मिलेगी नहीं इनको, ध्यान से समझना, अगर 5 भाई अलग हो जाएंगे, 5 बीवी आएगी तो ये पूरा इस खेत के भी टुकड़े हो जाएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, पहली बात तो लड़कियाँ भी नहीं है इनके पास, तो ये एक ही लड़की से शादी करते हैं 5 के, आज भी ये कल्चर है
जो 5 पांडवों ने किया था ना, वो कल्चर आज भी है। तो ये रीजन यहाँ पे आर्थिक हो गया, दूसरे एक लड़की वाले से भाई कम लड़की है इस कारण से भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, ये चीज। सर गुजरों में तो बहुत लड़कियां हैं, फिर उनमें क्यों बिक्री भी की जाती है लड़कियां? अरे तुम पूरा टोटल रेशियो उठा के देखो, तुम अपने आसपास का उठा के बात कर रही हो। इधर पता है जिसे देखो वो खरीद के ले आता है, वो पता है दावत और देता है फिर आके। चलो कोई नहीं, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन से दहेज प्रथा हतोत्साहित, ठीक है। अब जब इंटरकास्ट मैरिज बढ़ती है ना, यही याद रखना, कभी है ना जिसको दहेज लेना हो ना भाई, लव मैरिज मत करना, नहीं मिलेगा दहेज। जिसको दहेज नहीं लेना वो ही लव मैरिज करे, जिसको दहेज चाहिए वो लव मैरिज, वो अरेंज मैरिज में मिलेगा दहेज, ये चीज़ याद रख लेना। वेश्यावृत्ति बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब क्या होता है कि देखो मेरा मानना है कि जैसे अगर आपके थॉट्स नहीं बदल रहे हैं तो भाई फिर आप अरेंज मैरिज का सिस्टम को अपनाओ, नहीं तो फिर बाद में है ना रिलेशनशिप में दिक्कतें आएगी। इसका रीजन है, अब जैसे मैं बहुत सारे लोगों ने देखा जिन्हें लव मैरिज कर ली, ठीक है, ध्यान से समझना। अब जब उनके बीच में कभी झगड़े होते हैं तो उस लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं और से अरेंज मैरिज करता तो मेरे को इतना पैसा मिलता, एक तो इससे शादी किया, वो झगड़े वो बढ़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखना भाई, अगर ऐसा माइंड सेट है तो पहले से दहेज अरेंज मैरिज ही करना। वेश्यावृत्ति अनैतिक यौन संबंधों में वृद्धि होती है, मैं वही बता रहा था, सब ऐसी बात है। जब ये क्यों बढ़ेगी सेक्स वर्कर, ये सारी चीज़ें, जब लड़के के पास लड़कियाँ नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर, या फिर वही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीज़ें उधर उधर करेंगे, फिर अपने घर की लड़की है उस पर अटैक करेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक कंडीशन है ये, महिलाएं बराबर होना बहुत ज़रूरी है और सबका सही एज में शादी होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर सोसाइटी में असंतुलन होगा। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या अपने घर के बच्चों के साथ जो है लोग करते हैं सेक्स, वही सारी चीज़ें होगी, फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है आखिर में क्या कारण कि इंडिया में जो है सेक्स रेशियो खराब है। तो मैंने पहला कारण बोला पितृसत्तात्मकता है, वह स्त्रियों की निम्न स्थिति की निरंतरता। अब भाई समझ बात है, पेट्रियाकल तो पुरुष ही डिसीजन ले रहा है और महिलाओं की स्थिति हमेशा दयनीय रही है, क्योंकि ना तो आर्थिक रूप से पंगू रही है, हमेशा डिसीजन भी नहीं ले पाती, तो सब ऐसी बात है उनका कोई मानता ही नहीं है। अब भाई पति ने डिसाइड कर दिया है कि मुझे लड़का ही चाहिए, और वो लड़की हो रही है, उसकी वाइफ चाह रही है कि नहीं लड़की मैं एक्सेप्ट करती हूँ, परंतु पति ने डिसाइड कर दिया तो वही करना पड़ेगा उसको। शुरू हो जाती है ना, अगर बात मानती है तो ठीक, नहीं तो फिर घर से बाहर निकल। हाँ वही होता है, और वो रीजन भी समझो ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस पे। अगर जी जी तभी महिला तो कमाने उसे लग जाएगी ना, डिपेंडेंट उनको बनाया जाता है, तो समझो। डिपेंडेंट उनको हाँ बनाया जाता है ना। हाँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं जाएगा, लड़कियों बाहर नहीं निकालोगे तुम लोग तो क्या ही करेंगे, तो फिर वही लड़कियां घर कर लो। ऊपर से हाँ माँ बाप बोलते हैं कि बेटी हमारा समाज में नाम खराब हो जाएगा, सहन कर ले, ये कर ले, वो कर ले। और पता है शादी से पहले अगर उनका कुछ पता चल जाए ना, बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है। अगला देखो दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा के कारण जो है सब एक सी बात है, आज भी बेटा ही चाहिए, क्योंकि बेटी तो दहेज लेके जाएगी और बेटा दहेज लेके आएगा, इसीलिए लड़कों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। ये हकीकत मैं फिर बता रहा हूँ, एक लड़की IAS ऑफिसर बन जाएगी ना तब भी उसको दहेज देना पड़ेगा, ये हकीकत बता रहा हूँ। एक लड़का IAS अधिकारी बन जाएगा तो 1 करोड़ रुपये और लाएगा, ये हकीकत है। शादी ना करे तो वो भी सही नहीं है, ऐसे विचार मत पालो। जब वो इंडिपेंडेंट हो गई है तो फिर नहीं शादी नहीं नहीं फिर भी करनी चाहिए, मतलब समझ आया तुम लोग, समझ। यूरोप में अभी मिडिल एज क्राइसिस यही चल रहा है, आज मैं सना को यही समझा रहा था, मतलब ये चीज समझो आप लोग। क्या समझ, ये बताओ अगर नौकरी के बाद भी दहेज देना पड़ेगा तो क्या फायदा? अब वो दहेज क्यों ले रहा है जब मैं कमाऊंगी तो? अरे कोई फिर किस बात का दहेज, लव मैरिज कर लेना ना जो तुमसे बिना शादी के, उसे कर लेना, क्या दिक्कत है, मेरा फंडा अपना हो ना, ज़्यादा सोचने का नहीं। चलो ठीक आगे देखो। दूसरा पुत्र को अधिक महत्व व बेटे को बोझ मानने के कारण बालिका शिक्षा मृत्यु दर, वो बता रहा मैं कल भी बोला था ये पॉइंट कि लड़कियाँ भाई उनको भगवान ही पालता है, घर वाले ध्यान देते नहीं, बहुत सारे बच्चे इसलिए मर जाती है, पहले तो घर में मार दिया जाता उनको, फिर जब होती है पैदा, गलती से पैदा होती है तो उनको ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे ही मर जाती है, फिर वो जो बच्चे पैदा कर जो माँ होती है वो मर जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि दूसरी बीवी आ जाएगी, काही टेंशन है। अरे होता है बहुत सारे लोग, ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही है ना, ठीक है। अल्लाह कन्या भ्रूण हत्या, तो ये इस कारण से भी तो लड़की की जनसंख्या कम हो जाती है, ठीक। अधिक जन्मदिन के कारण मातृ मृत्यु दर की अधिकता, सब ऐसी बात है, जब एक ही जब महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दोगे आप तो वो भी तो मरी जाएगी आखिर में,
जब वो मर रही थी, फिर महिलाओं की संख्या कम होगी। छोटे परिवार की धारणा को तार्किक रूप से स्वीकृति साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रबल। ध्यान से समझना, आजकल लोग छोटा परिवार चाह रहे हैं, पर छोटा परिवार में पुत्र चाह रहे हैं वो, इसे याद रखना। तो समझे ऑटोमेटिक महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी। और लिंग परीक्षण की तकनीक का विकास फलत कन्या भ्रूण हत्या 6 लाख वर्ष कन्याएं पेट में मारी। सोचो, ये तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट डाटा है। ऐसे तो कितनी ही महिलाएं, मतलब सोचो लड़कियों को मार दिया जाता होगा गर्भ में, कितनी ही, ये जो 6 लाख प्रतिवर्ष है, मेरा मानना है कि ये डाटा 20-25 लाख होगा। ठीक है, ये आज का डाटा है या फिर पुराना डाटा है? पुराना उसमें मत सोचो, बस एक कैलकुलेशन लो, एक आइडिया लो अपने माइंड में कितने लोग होते हैं। क्योंकि अब तो टाइम चेंज हो, क्योंकि मैंने ऐसा किसी आज तक नहीं देखा। ये तो देखा था कि उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करते तो वो मर गई थी, ये नहीं देखा। होता क्यों नहीं होता, अशिक्षा व अज्ञानता, तो इस कारण से भी जो है महिलाओं को ज़्यादा, भाई समय से बात है, अज्ञानता रहेगी तो वही धार्मिक रूढ़िवादी विचारधारा फॉलो करते रहोगे, महिलाओं को हमेशा बहुत समझोगे। जब तक आधुनिक, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन अचीव नहीं करूँ तब तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा तुम लोग। ठीक है, पुरुष का अकेले प्रवास, मैं वही बता रहा, दिल्ली विल्ली में क्यों होता है, क्योंकि दिल्ली में मोस्टली लोग यहाँ पे क्या, मेल ही तो माइग्रेट होके आते हैं, तो यहाँ पे जब मेल ज़्यादा हो जाए तो फीमेल की ऑटोमेटिक जनसंख्या कम हो जाए, तो ये भी एक कारण होता है कि दिल्ली विल्ली में, बड़े शहरों में, इसलिए भी लोग, मतलब क्या होता है, कम मतलब महिलाओं की वो जनसंख्या रहती है वहाँ पे। ठीक, तो सजेशन क्या होना चाहिए, महिलाओं को सभी क्षेत्र में सशक्तिकरण, सभी क्षेत्र मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सभी क्षेत्रों में, एवं उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, तो सुधार किया जाएगा तो समझिए तो सेल्फ डिसीजन लेगी, सेल्फ डिसीजन, जब उसके पति बोलेगा मुझे बेटा चाहिए तो उसका 2 थप्पड़ मारेगी, और वो मार, ध्यान से समझना, इस चीज़ को इमेजिन करो। देखो ध्यान से समझना, मैं 2 चीज़ बताऊँगा ध्यान से, दोनों स्थिति में समझना, अपने आप को इमेजिन करना। एक स्थिति है लड़का कमा रहा, लड़की कुछ नहीं कमाती, ठीक है, लड़का बोला मुझे लड़का चाहिए, अब उसके पेट में लड़की पल रही है, तो लड़का उसको बोलेगा इसको चुपचाप निकाल दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो लड़की क्या करेगी, अब उसको पता कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसे घरवाले उस पर दबाव डाले, जो पति बोला वैसा कर, पति परमेश्वर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ध्यान से समझना ये चीज़, समाज भी उसको लगेगा, समाज ताने देगा उसको, पति को छोड़ के रह नहीं सकती, ठीक, तो वो क्या करेगी इस स्थिति में, वो बच्चा गिरा देगी, ठीक, लड़की को गिरा देगी, गर्भ में मार देगी। दूसरी स्थिति समझो, लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, अब लड़का आया पेट्राइकल सोच का, बोला मुझे लड़का चाहिए, लड़की पल रही, ध्यान से समझना, अब वो लड़की के पास पता कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मैं इस लड़की का पालन कर सकती हूँ, ठीक है, अरे ऐसे पति हज़ारों मिल जाएंगे मार्केट में, ये हकीकत बात है, 2 थप्पड़ मारेगी उसको, भाई तू अपने रख यहाँ पे, वो अपना आराम से निकल जाएगी और अपने बच्चे को जन्म देगी, समझना ये चीज़ ध्यान से, क्यों कर पा रही है वो, समाज की क्यों नहीं सोचेगी, हाँ ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। अच्छा ये भी तो बात है कि एक जो औरत होती है उसके जो पीछे होता है उसकी बर्बादी, आबादी के पीछे एक औरत भी तो होती है, ठीक, वो सब चीजें ज्यादा मत सोचो, गिव थिंक प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली चीजें, ये सब फादी है, ये सब फालतू की बातें होती है भाई, सीधा सिंपल सा सोचो कि, मतलब मेरा मानना है कि व्यक्तिगत तौर पर जब तक महिला आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी तो उनके साथ हमेशा सामाजिक शोषण होता रहेगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जिस दिन महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो गई उस दिन सबको लात मार के जाएगी, वो हकीकत में बता रहा हूँ, वो इसलिए देख लें, तलाक दर बढ़ेगी, ये सारी चीजें होगी, लड़के लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी, लव मैरिज करेगी, सब कुछ बात, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग, भाई तुम लोग नहीं पचा पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ, लव मैरिज कर लेना, नहीं तो पछताओगे तुम लोग। अगर देखो भाई, भाई वो अलग मामला है, तुम गलती से अरेंज मैरिज में तीर मारे सही जगह लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, मेरे ये लेक्चर है, जब मान लो कि आज से हजारों साल बाद में, या मान लो नहीं कुछ सालों बाद में क्रांति तो लाएंगे, अगर जिस दिन मेरे की ये क्लासे देख ली इंडियन सोसाइटी, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ बदल जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, बदलाव ही क्रांति होनी चाहिए, शिक्षा ही सबसे बड़ा। रिद्धि बोल रही है, रिद्धि बोल रही है कि घर वालों को आप मना दो। रिद्धि का तो अलग ही मैटर चल रहा है, तो मैं कैसे मना दूँ, तुम्हारा समाज जो है वहाँ पे, मैं आप लोगों के अंदर बदलाव ला सकता हूँ, आपको मजबूती दे सकता हूँ, लड़ना तो आपको ही है ना, मैं देखो ये चीज़ याद रखना हमेशा,
हिटलर से ली जब वो सब जगह जाके लड़ा था युद्ध, मैं हिटलर जैसी तुम लोगों को एनर्जी दे सकता हूँ कि तुम लोग जाके सामना करो, तुम मेरे सेना के लीडर बनो, ना कि मुझे आगे खड़ा करो यार। मैं समझो ये चीज, मैं तुम लोगों को एनर्जी दे सकता हूँ कि तुम लोग जाके लड़ो, अपने बदलाव करो। जब जाते ना घर वालों के सामने ना, फिर वो भीगी बिल्ली बन जाती है। तो वो गलत है ना, तो मेरे स्टूडेंट भीगी बिल्ली नहीं बनने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। सर का एग्जाम्पल दिया करो, यही है वो मानव जिसने हमें बदलाव के लिए प्रेरित किया है। अरे सबसे ज्यादा इन्हीं को फिर फटकार पड़ेगी, क्या सिखाते हो बच्चों को ये। आई विल हैंडल, इनको पता चलेगा ना आई विल हैंडल जो कुछ कहे वो कैसे। देखो मतलब इतनी मेरा मोबाइल छिन जाएगा। कोई नहीं, स्मार्टली मैनेज भी किया जाता चीजें। ठीक है, अभी बोलते ना बारूद के गोले को, उसको बारूद को भरने दो, जिस सही समय आएगा उस दिन यूज किया जाएगा उसका। ठीक है, उसके लिए ना कोई पसंद नहीं आना चाहिए हमें, हमको कोई पसंद आने वाला है नहीं, हम जैसे हैं। कोई नहीं सपना, वेट एंड वॉच, समय सबका इंतजार करता है। तुम खुद बोलोगे मेरे पास। जनरली लड़कियों को नहीं आता मेरे लिए कुछ विचार। आ जाना, इसी मैटर पे बात हो रही थी, सुनो मैं तुम्हारी बात। कुछ विचार है, कुछ बेचारे संन्यास लेना है अगर नहीं लगी तो। ये सब फालतू की बात है, कोई नहीं। सुनो मैं एक चीज़ मैं आगे बता रहा हूँ ना, लड़कियों में क्या होता है ना, लड़की कभी लड़की को प्रपोज करती नहीं, ये बहुत गलती है। मैं खुद सोचता हूँ कि यार मेरे कोई लड़की प्रपोज करे भाई, कोई लड़की क्यों कोई होता भी तो चाहिए ढंग का सा प्रपोज करने लायक। ना ना, लड़के हमेशा भाई चाहते थे लड़का ही प्रपोज करे, गलत बात है। समाज बदल रहा, तुम भी लोग, तुम लोग भी बदलो ना। इसीलिए महिला नहीं करती। ओह माय गॉड, आज मुझे पता लगा। चलो ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो रे पढ़ लो। ठीक है अब देखो, तो मतलब मेरा कहना मतलब महिला जब सशक्त होगी तो सबाई सी बात है, मैं ये हकीकत में बता रहा हूँ, महिलाएं दबके वहीं तक रहती है जब उनको लगता है कि यार हमारे पास कोई सहारा नहीं। ये मैंने देखा है, जहाँ लड़कियों के पास आर्थिक रूप से सशक्त है वो भाई बिंदास रहती है, भाड़ में जाए, फिर पति हो ससुर हो कोई हो सबको लात मारती हुई निकलती है, क्योंकि फिर वो नहीं सहेगी। ये चीज़ याद रख ले, अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, सही ना भी क्यों चाहिए। मतलब नहीं, मतलब फिर मैं फिर बता रहा हूँ कि हमेशा एक्सट्रीम केस भी नहीं रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों देखो जीवन कॉम्प्रोमाइजेशन से चलता है, परंतु एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं। जैसे मान लो कि भाई तुम चाह रहे हो कि आराम से भाई लड़की होना चाहिए, भाई जो नेचुरली रूप से जन्म ले रहा है, तो ऐसे जगह तो भाई पति हो चाहे कोई भी हो उसको लात मार देनी चाहिए। परंतु हाँ, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है वो तो सहन भी चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ पे नहीं। अब वहाँ आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है तो पहले आप रोको उसको, समझाओ, फिर भी नहीं मान रहा तो फिर ऐसे को तो लात मारो, दो तीन लात मारो, आपकी मान सम्मान को ठेस पहुँचाए तो भी ना रोके उसको। मतलब वही ना, रोकना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं कि तलाक पहली बार में तुम कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे तलाक बस अब हो गया ना। मतलब समझ रहे ना, उस केस में वैसा नहीं, मतलब समझो। ठीक, अगला देखो, शिक्षा के प्रसार के द्वारा तार्किक दृष्टिकोण का विकास करें, के पिछले सत्तात्मक सोच को अतुत्साहित किया जाए, जो मैं कर रहा हूँ, मैं ये पूर्ण रूप से बोल सकता हूँ, ताकि पुत्र को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति कम हो सके। यदि मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरा कभी भगवान ना चाहे मैं कभी ऐसा हूँ या बदल जाऊँ, कभी नहीं, नेवर, ऐसा कभी परिस्थिति ना आए। ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए, मतलब हमेशा इस मामले में तो क्रांतिकारक बने रहो, मतलब जातिवाद ये सारी चीज़ें मत करना कभी भाई जीवन में। हमारा कुछ नहीं होगा अगर आप बदल गए तो। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, इतना मुझे पूर्ण भरोसा इन चीज़ों को लेकर तो है। जैसे मैं दहेज नहीं लेना तो नहीं लेना, इस चीज़ को लेकर चाहे मेरे घर वालों से कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, नहीं लेना तो नहीं लेना। ठीक है, जो है यार सोच, मैं नहीं बदल सकता, फिर मैं मेरा खुद का जीव जन्म लेने का मतलब क्या हुआ। अगर आपकी लाइफ में डिसीजन कोई और व्यक्ति ले रहा है जो आप नहीं चाह रहे हो, तो फिर क्या मतलब है, मेरा सीधा संबंध है, फिर कोई मतलब नहीं है जीवन का, फिर इसी याद रख लेना। ठीक, कन्या जन्म तथा बेटी वाले विवाह को कई रूप से प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे नगद प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो इसीलिए कन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है अभी, गवर्नमेंट इसमें एक और नया बदलाव लाने वाली है। प्रोन्नति में छूट होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा के खर्च में सरकार द्वारा वहन करना चाहिए, तो गवर्नमेंट करती है ये चीज़। और कहीं ना कहीं है ना बहुत पॉजिटिव फायदा लाया है ये चीज़, जैसे महिलाओं को एक भी रुपये भी नहीं लगता है। ठीक है, महिलाओं को मतलब कि जब 10th क्लास में स्कूटी ला रही है तो ये बदलाव लाता है। ये मैंने मेरे घर में देखा, जो मेरे चाचा की लड़की है तो पढ़ लिख के मतलब स्कूटी मिला उनको, तो भाई उनको लगता है, फिर जो दूसरे लोग होते हैं गरीब होते हैं, अरे नहीं पढ़ी लिखेगी तो अच्छा पढ़ेगी तो इसकी स्कूटी मिलेगा, तो लोग फिर है ना बदलते हैं। गवर्नमेंट मान लो कि हर महीने के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देती है, तो ऐसे बदलाव आते हैं समाज। अगर मैंने देखा है इन बदलावों से समाज बदलता है,
तो गवर्नमेंट के छोटे छोटे प्रयास होते हैं, यही चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट जो कभी प्रयास करती है ना वो अचानक से बदलाव नहीं लाते, परंतु 10 साल 20 साल बाद में उसकी चीज़ों को इम्पैक्ट देखते हैं, ये हकीकत है। अरे ये चीज़ को मैं सर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँ, ये सरकार है जितने सारी योजनाएं ला रही है सारी लड़कियों के लिए लेके आ रही है, जितने भी फेस्टिवल होते हैं घर पे लड़कियों को ही दिया जाता है। उससे मेरा भाई इतना चढ़ा हुआ रहता है, बोला कुछ भी हो कहीं से छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े सब प्रोग्राम कोई कुछ भी हो देना इनको ही है। हम लड़कों के लिए आवाज कौन उठाएगा? अरे नहीं मतलब समझो, देखो भाई समाज में गलत किसके साथ हो रहा है आखिर में, आप ये चीज़ सच सुनो, ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारा सामान चोरी हुआ है और ये चोर है, ध्यान से समझना, चोर सीधे पुलिस के पास जाएगा। यार सबाई सी बात है, पुलिस की जरूरत किसको है जिसका सामान चोरी हुआ है, समझो ये चीज़। तो सबाई सी बात है, गलत किसके साथ हो रहा है? महिलाओं के साथ। तो प्रोत्साहन किसको मिलेगा? महिलाओं को, पुरुष को काहे मिलेगा? पुरुष तो उल्टा, जब लड़कों की बात है, पुरुष तो उल्टा शोषण करता है ना, तो शोषण करता हो कहीं मिलेगा? सोचो ना इस चीज, आप समझो ना इस चीज, तो सीधा से ये जवाब दिया करो, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ ये लोग होते हैं, लड़के की बात आएगी ना तो कह देगा हम तो लड़के हैं। ऐसा फालतू की बातें होती है, वो लड़के नहीं होते, निपसंक होते हैं जो महिलाओं पर। मैं ये सीधे मैं बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट पकड़ो, कभी बोल दोगे ना पुरुष की। अरे मैं कुट जाऊंगी। मतलब यार हकीकत बात है, तुम यार महिलाओं पे क्या है, तुम अपनी दादागिरी दिखा के अपनी मर्दानगी दिखा के तुम क्या बता रहे हो? ये नपुंसक का तरीका है, महिलाओं को मार देते हो तो अपने आप को वो समझते हो, मतलब समझो ये चीज़ें, ये गलत है ना, गलत चीज़ें परेशान करके तुम क्या ही मर्द बन रहे हो? मर्दानगी दिखाना तो जाके दिखाओ, आर्मी में जाओ वहाँ पे दिखाओ, तुम अपनी अखाड़े में जाके दिखाओ, भारत के लिए मेडल भी आएगा महिलाओं। अरे वो एक गिलास पानी तो लेते नहीं है खुद से, तो फिर वो जब करें तो फिर वही तो बात है ना, तो नपुंसक हुए ना फिर काहे के मर्द है, मतलब ये चीज़ें समझो, ये रियलिटी है। तो महिलाओं पे राज करके ऐसे लोग होते हैं, पर वो गलत हैं, फिर बार बार बता रहा, मैं इन चीज़ों कभी सपोर्ट नहीं रहा, ठीक है? अरे ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो यूपीएससी तैयारी करने के बाद में वही अपने औरत को बोलते हैं जूती के बराबर है तू मेरे, ये स्टेटमेंट तुम लोग भी सुनो, जैसे आपके दोस्त। अरे मैं बता रहा, तुम लोग भी सुनोगे आगे जाके अपने हस्बैंड से ये सारी चीज़ें। मैं तो सुनने वाली हूँ। चलो ठीक है, मैं देख लेना ये चीज़, मतलब अगर अरेंज मैरिज करोगे ना तो यही होगा। दहेज सिंपल फंडा है, देखो अगर उसने रेस्पेक्ट की ना तो रेस्पेक्ट गेन करेगा, अगर नहीं की तो तू भाड़ में जा, मैं भाड़ में जा रही। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से, मैं सब 15 साल बाद में मिलूंगा तुम लोगों से, ठीक है? तो ये याद रखना, एक क्लासे 15 साल बाद मिलूंगा, तब तक तुम लोग एक अच्छी खासी अवस्था में रहोगे। चलो ठीक है, 15 साल बाद क्यों, इतना टाइम क्यों? यही तो बात है ना, 15 साल बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी, तुम लोग जो एनर्जी आज वो नहीं रहेगी, तब देखते हो। नहीं थिंकिंग की तो रहेगी, नहीं रहेगा, चीज़ें बदलेगी, अरे बदलाव ही जीवन है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी उम्र आज तक तो बदली नहीं, देख लेना। सुनो, दहेज प्रथा विरोधी कानून व हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को कठोरता से लागू किया जाए और इस संदर्भ में महिलाओं को अनुकूल मनोवृत्ति उत्पन्न किया जाए कि महिलाएं अपना, मैं फिर बता रहा हूँ एक चीज़, और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना सब लड़कियाँ, ध्यान खास तौर से, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते, ध्यान से समझ लेना, कहते अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लो, कानूनी रूप से तुम वैलिड हो, ठीक? अगर कानूनी वो मान लो कि बोलते कि नहीं तो लड़के है क्या है तुम क्या लोगी, ठीक है? तो दहेज लेके जाना, मैं फिर बता रहा हूँ, और दहेज उतना लेना जितना प्रॉपर्टी है, मान लो 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, तुम दो भाई बहन हो तो 50 रुपये, मतलब इतना दहेज लेके जाना, ये याद रख लेना। लड़कियों के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, दहेज अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियाँ कभी अपनी संपत्ति में से हिस्सा नहीं लेती है, या तो फिर एक क्या करो आप दहेज ले लो, या दूसरा अपनी पढ़ाई में शिक्षा में खर्च करवाओ घर वालों से पैसा, मैं सही बता रहा हूँ, ये 50 रुपये तो उनकी काम ही नहीं आता। हाँ हाँ वही ना, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है कि अपनी एजुकेशन में खर्चा करवाओ, जबरदस्ती करवाओ, या तुम क्या बात कर दो, करवाओ घर वालों, बोलो इमोशनली ब्लैकमेल करो, करवाओ उनसे खर्चा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कितना इमोशनली,
अरे लड़कियों के पास ये बहुत बड़ा हथियार होता है, तुम क्या बात करते हो, यूज करना सीखो अपने वेपन्स का। वो रखे रखे है ना, निष्क्रिय हो गए। मेरे बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है, मैंने क्यों क्या पता नहीं क्या क्या किया है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, तो कान पे चीटिंग तक नहीं चली। होगा भाई, पत्थर भी टूट जाता है रेगुलर करते रहोगे तो। ठीक है, तो मैं आखिर बता रहा हूँ ये चीज़ ध्यान से ना, कैश तो भाई अपने एजुकेशन में लगा लो, अगर तुम लोगों ने अपने एजुकेशन में नहीं लगाया आज तक पैसा, तो दहेज लेके जाना, दहेज नहीं लोगे तो फिर जमीन में हिस्सा लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं लिया तो फिर तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, ये चीज याद रख लेना। सर एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में लो, क्योंकि देखो स्टार्टअप करने के लिए 5 लाख रुपए बहुत होते हैं, है ना, तो अपना एक बिजनेस खोल लो, इतने में तो बहुत बड़ा बिजनेस खुल जाएगा, कुछ करो तो काम ही है। मतलब मेरा मानना कि डू इट सम वर्क या कुछ भी करो, मैंने अपनी संपत्ति के साथ लेना, ये नेचुरल राइट है। मैंने कुरान पढ़ी, कुरान में तो सीधा सा बोला गया, पर तो वहाँ पे 1/3 की बात बोल दी जाती है, तो वो तो गलत है, 1/3 क्या, पूरा 50-50 बन। तो जो कुरान में एटलीस्ट मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी कुरान में, एटलीस्ट वहाँ पर महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए, परंतु वही है कि समाज में लागू नहीं होते, एक अलग मामला है, परंतु मुझे वो एक चीज़ अच्छी लगी, समाज में वही चीज़ लागू होती है जो पितृसत्तात्मक हो। ठीक है, आगे देखो, चिकित्सा सुविधाओं को परिणात्मक गुणात्मक दोनों स्तर पर सुधारा जाए, मतलब ऐसा नहीं हॉस्पिटल तो बना दिए पर उसमें मशीनें नहीं है, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है, जो मर जाती है मालूम, मैं वही बता रहा हूँ, अरे इसीलिए खास तौर से गवर्नमेंट में जाके देख लेना, लड़कियों को ज़्यादा दिखाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियाँ तुम्हें दिखेगी, ये चीज़ हकीकत में बता रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पता है कि गवर्नमेंट समाज ऐसा ही करने वाला है, तो ऐसा करो तुम जो गवर्नमेंट अस्पताल उनको अच्छा कर दो, जो स्कूल हैं उनको और अच्छा कर दो, तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर ऑटोमेटिक समाज की सोच बदलेगी। और इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को संवेदनशील बनाया जाए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के साथ मिसबिहेव ना करे, वो सारी चीज़ें ईमानदारी से ड्यूटी निभाए अपनी, ठीक। PCPNDT एक्ट के प्रभावी बनाए जाए और अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग को सख्ती से रोका जाए, कितने वो सत्यमेव जयते वाला एपिसोड देखना, रियलिटी पता लग जाएगी क्या होता है। ग्रामीण विकास को तीव्र करके प्रवास को नियंत्रित किया जाए, तो वही है कि जो शहरों में यहाँ लोग आ जाते हैं तो भाई महिलाओं को तो अपने वहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं तो दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा कि ग्रामीण विकास को, ताकि वो लोग माइग्रेट होके आए, नहीं कम लोग आए, ठीक है। अब देखो भारत में शिशु लिंग अनुपात, ये टॉपिक कर लेते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कितना रह गया है ये, ठीक आगे करेंगे फिर, कल कर लेंगे, छोड़ो बोला भी है, 4-5 क्लास बचा है, रुको देखो 47 ज्यादा नहीं बचा, अब इसके बाद क्या शुरू होगा, इकोनॉमी डिसाइड हुआ था ना कल, इकोनॉमी ज्यादा नहीं बचा है, कंप्लीट हो जाएगा, 2 मैक्सिमम 3 क्लास, 3 या 4 क्लास मान के चलो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। मुझे ना एक कुछ क्वेश्चन पूछना था, डाउट तो है नहीं ये।